नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा और मैं हूँ अनामिका और आज से आप देखेंगे हमारे साथ फटाफट चौपाल। फटाफट चौपाल में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया मनोरंजन और खेल से जुड़ी तमाम खबरें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, दिग्गज कांग्रेसी नेता टॉम वर्डकन बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा पदक से किए गए सम्मानित। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई अहम बैठक, आपसी सहमति के 3 महीने बाद हुई बैठक। करतारपुर वार्ता से पहले पाक की चाल, पीएम इमरान खान ने आतंकी हाफिज सईद के करीबी और खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला से की मुलाकात। मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ रद्द, भारत ने कहा आतंकवाद का करेंगे खात्मा। मसूद अजहर को लेकर चीन की अटकलों पर यूएस का गुस्सा, अन्य कठोर कदम उठाने की दी वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में सुनवाई, केंद्र सरकार ने बुधवार को दायर किया था हलफनामा। लोकसभा चुनाव से पहले आज राहुल गांधी का केरल दौरा, कई रैलियों को कर रहे हैं संबोधित। केरल में मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल ने किया बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली में अगर उनकी सरकार बनती है तो मछुआरों के लिए बनाएंगे अलग मंत्रालय। महिलाओं के लिए राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार महिला आरक्षण बिल को पास करेगी जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में 33% महिलाओं को मिलेगा मौका। सुषमा स्वराज की पाकिस्तान को दो टूक, कहा इमरान खान इतने उदार है तो मसूद अजहर को भारत को सौंपे। तृणमूल कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह आज बीजेपी में होंगे शामिल, लोकसभा चुनाव से पहले इसे पश्चिम बंगाल के टीएमसी के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की हुई बड़ी बैठक, बैठक में बोली मायावती बसपा किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। कर्नाटक के शिवमोगा में 18 जगहों पर 7500 लीटर शराब बरामद, मामले में 7 लोग हुए गिरफ्तार। नाइजीरिया में स्कूल इमारत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, हादसे में 8 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों के उड़ान पर लगाई रोक। गुजरात में बीजेपी नेता जयंती भानुशाली की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी छबिल पटेल को पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। बीसीसीआई की आईसीसी से मांग, रंगभेद के दौरान जिस तरह दक्षिण अफ्रीका का हुआ था बहिष्कार वैसे ही किया जाए पाकिस्तान का बहिष्कार। बीसीसीआई ने अपने ऑफिस से 5 विकेट टीम की तस्वीरों को हटाया। 2019 से पहले रिलीज होगी पीएम नरेंद्र मोदी की वेब सीरीज, फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने किया ट्वीट। 22 साल बाद पर्दे पर दिखेगी संजय दत्त माधुरी दीक्षित की जोड़ी, मल्टी स्टार्टर फिल्म कलंक पे दोनों बिखेरेंगे जलवा। आमिर खान का जन्मदिन, 54 साल के हुए आमिर।